नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस शो पर जिसका नाम है बकलोली विद जेमी। इससे पहले कि आप मुझे हिंदी बोलते हुए चौंक जाए, आपको बता दूं कि मेरा आधार यही इंडिया का ही है। ठीक है, वो क्या है ना, आजकल आधार के बिना कुछ होता नहीं है ना, तो पहले से ही बोलना पड़ता है। यू अंडरस्टैंड, यकीन नहीं हो रहा है तो सैम करन को देखिए, जिन पर इस साल पंजाब किंग्स के मालिक ने 18.5 करोड़ खर्चे और जो अब तक 8 ओवर में 82 रन दे चुके हैं मात्र 1 विकेट लेकर। अच्छा एक और बात, हाँ ज्यादा सीरियसली मत लेना इस शो को यार, ये एक सटायरिकल क्रिकेट रिव्यू है जिस पर हम इस हफ्ते के आईपीएल मैचेस को लेकर एक ह्यूमरस और लाइट हार्टेड टोन में पेश करते हैं। यू नो, कॉमिकल, नॉट सीरियस, जस्ट फॉर लैप्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स खेलने आई है। I mean, come on. You know it's been a pretty poor start to your IPL season when the two highlights so far are the response to hanging Rishabh Pant's jersey over the dugout, और फिर जब खुद Rishabh Pant ground match देखने आए थे और सबकी नजरें उन पर थी ना कि match पर। जी हाँ, काफी खराब शुरुआत रही है दिल्ली कैपिटल्स की, जिन्होंने अपने पहले 2 मैच हारे, एक तो सीधे 50 रन के मार्जिन से, बाप रे बाप। बट आलिज वेल, क्योंकि जैसे ही दिल्ली फ्रेंचाइज ने पंत की जर्सी डगर के ऊपर टांग के रख दी पहले मैच के दिन, तो सोशल मीडिया पर लोगों ने एक साथ तालियां मार के बाकी सब माफ कर दिया। और फिर जब पंत अरुण जेटली स्टेडियम पे दूसरा मैच देखने आए और मुस्कुराते हुए फैंस को हाथ हिलाकर हाय बोलते रहे, तो मैच में क्या चल रहा था वो किसी को याद ही नहीं रहा। वैसे खेलकर फैंस के दिलों को जीतने की क्या जरूरत है जब आप फैंस के फेवरेट प्लेयर की जर्सी बैल्कनी पर सुबह की धुली हुई गमछे के तरह टांगकर पूरे इंटरनेट को ही जीत सकते हो। दिल्ली की बात करें तो भाई मुझे पृथ्वी शॉ का चक्कर समझ नहीं आता। ये वही अंडर 19 कप्तान थे जो शुभमन गिल के साथ खेलकर आए, मगर देखो गिल कहां पहुंच गए। और एक शॉ है जो इस वक्त भी ऐसे घटिया शॉट्स खेलकर आउट होते हैं। और तो पूरी दुनिया कहती रही कि सरफराज खान अपने शानदार डोमेस्टिक प्रदर्शन के चलते टीम इंडिया में जरूर आएंगे, बट सॉरी टू से, इस तरह की फिटनेस के साथ आज के मॉडर्न क्रिकेट में उनके लिए जगह बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आगे बढ़ते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ, जो कि अपने पहली मैच में इतने खराब लगे कि शाकिब अल हसन ने बांग्लादेश से ही मैसेज भेज दिया कि बंधु माफी चाहूंगा, मगर मैं आईपीएल के बजाय आयरलैंड के साथ एक टेस्ट मैच खेलना चाहता हूं, मतलब आमी एखाने ही भालवाची। आपको बता दूं कि ये वही शाकिब अल हसन है जो कुछ साल पहले बांग्लादेश को छोड़कर आईपीएल खेलने आए थे, तो अब आप सोच सकते हैं कि इनके प्रायोरिटीज कितनी बदल गए हैं पिछले हफ्ते। हम सभी के चहीते क्रिकेटर एमएस धोनी काफी मजाकिया हैं, ये सबको मालूम है, मगर चेन्नई सुपर किंग्स की दूसरे मैच के बाद जब धोनी से पूछा गया टीम के इतने सारे वाइड्स और नो बॉल्स के बारे में, तो कप्तान साहब ने ऐसा जवाब दिया कि लोग सोचने लगे कि अरे यार ये माही मजाक ही कर रहे हैं ना, कि कहीं सच में टूर्नामेंट बीच टीम को छोड़ के तो नहीं जाएंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर एमएसडी ने ऐसा रिएक्ट किया तो उनकी बॉलिंग कैसे रही होगी। धोनी के इस बयान के बाद सुनने में आया है कि चेन्नई टीम के फैंस तुषार देशपांडे और राजवर्धन हंगर केरकर की सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर उन्हें सलाह देने लगे कि बॉस तुम रहने दो, वैसे ही धोनी का आखिरी साल लग रहा है आईपीएल में, प्लीज तुम उन्हें वक्त से पहले रिटायर होने पर मजबूर मत करना भाई। अमंग द वेरियस न्यू रूल्स दिस आईपीएल सीजन इज द राइट फॉर प्लेयर्स टू रिव्यू वाइड एंड नो बॉल डिसीजंस। अब दोस्तों इस लीग को लेकर मेरी एक ही शिकायत थी पहले से कि मैचेस इतने लेट जाते हैं, और अब इस नए रूल के कारण मेरी नींद और भी खराब होने लगी यार, क्योंकि कमबख्त एक मैच भी 11:30 से पहले खत्म नहीं हुआ है। और फिर जब मैंने जॉस बटलर का ट्वीट देखा चेन्नई और लखनऊ सुपर जायंट्स मैच के बीच कि प्लीज मैच को थोड़ा चलाओ ना यार, तो मुझे एहसास हुआ कि भाई जॉस बटलर जैसे शांत और हमेशा मुस्कुराते हुए प्लेयर को अगर एक आईपीएल मैच स्लो लग रहा है, फिर तो जरूर ये रूल बहुत ही फालतू है।
और परसों रात को जो मैच हुआ पंजाब और राजस्थान के बीच, उसमें एक वाइड को रिव्यू करने में 2 मिनट और 30 सेकंड लगे, और इतने टाइम के बाद साला गलत डिसीजन निकला। भाई साहब, उतने समय में केएल राहुल 8 डॉट बॉल खेल के आउट भी हो चुके होते, या फिर रविंद्र जडेजा 2 ओवर डाल चुके होते। पिछले साल मुंबई इंडियंस 10 टीमों में से सबसे आखिरी पे आई थी, और इस सीजन उनको देखकर ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है फैंस को। मुंबई की पहले मैच में जिस तरह की बैटिंग रोहित शर्मा ने की, और उसके बाद जो टीम के बेस्ट बैट्समैन और वाइस कप्तान सूर्य कुमार यादव को 11 से बाहर करके ऑस्ट्रेलिया के जेसन बेरेनडॉर्फ को इंपैक्ट प्लेयर बनाकर अंदर किया, साफ मालूम पड़ा कि इस टीम में किसी को कुछ आइडिया नहीं है कि टाइटल कैसे जीतें। सूत्रों के अनुसार बाकी आईपीएल सीजन के लिए रोहित और मुंबई की टीम मैनेजमेंट एक हटके स्ट्रेटजी के साथ जाने वाली है। रेडी फॉर इट दोस्तों, मुंबई इंडियंस बाकी के मैचेस आंखों में पट्टी लगाकर खेलने वाले हैं। जी हां, सही सुना आपने, पट्टी बांधकर। टीम सोर्सेज ने बताया है कि बेशक ये बहुत ही रिस्की डिसीजन है, बट इन द वर्ड्स ऑफ अ वेरी वेल प्लेस सोर्स इनसाइड द मुंबई कैंप, भाई क्या पता ये आइडिया ही चल जाए, पिछले सीजन से तो खराब नहीं हो सकता ना भाई। चलिए दोस्तों, इस हफ्ते के लिए इतना ही। इतने पैसे नहीं मिलते हैं इस शो के लिए कि मैं हर टीम की खिंचाई करूं, मगर जरूर दोबारा लौटिए अगले हफ्ते इस शो पर, जब मैं आपको और भी पूर जोक्स और अपनी क्वेश्चनेबल क्रिकेटिंग एनालिसिस पेश करूंगा। दैट्स इट फॉर नाउ, गुड बाय।